नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सर डॉक्टर ज्योति त्रिपाठी फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। आज हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन, वायु जो पांच तत्वों में से एक है, एयर पोल्यूशन और उसे हम कैसे फाइट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एयर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें तो खाने की, अगर तो हम ऐसे रिसर्च किया गया है कि 21 दिन हम बिना खाने के रह सकते हैं और बिना पानी के हम 3 दिन रह सकते हैं, और जिसकी बहुत अच्छी लंग कैपेसिटी है वो 3 मिनट के ऊपर बिना सांस लिए रह सकता है या अपनी सांस रोक सकता है। हम 22,000 बार दिन में सांस लेते हैं। तो अभी देखते हैं हम एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन के कारण क्या है? 29% डेथ हुई है लंग कैंसर से, 24% डेथ हुई है स्ट्रोक के कारण, 25% डेथ हुई है हार्ट डिजीज़ के कारण और 43% डेथ हुई है लंग डिजीज़ के कारण। और इसका असर क्या हुआ है एयर पोल्यूशन की वजह से? 8 मिलियन डेथ हर साल हो रहे हैं। 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पोल्यूटेड एयर ले रहा है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। और हम देखते हैं कि हम इंडोर भी सेफ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन अंदर दूषित हवा लेने से भी हो रहा है, और इसका जो हम सांस लेते हैं वो काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है। और इसके बहुत सारे रीजंस है, और इसके नेग्लिजेंसी की वजह से हमें कई बार क्लीन एयर न मिलने के कारण, और इससे ज़्यादा बच्चे और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको ये हो रहा है, क्योंकि लंग्स अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते इसी वो टाइम में। उनके लंग्स पूरे डेवलप नहीं होने के कारण छोटे बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और इसी के कारण उनके ब्रेन पर भी ये सारी चीज़ें असर करती है। जो घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर हवा होती है वो ज़्यादा एक कॉज है जो कि बहुत नेग्लेक्ट हुई है। और पोल्यूशन किस किस कारण से होता है? मस्कीटो कॉइल और स्मोक। कोई दिन भर में काफ़ी चेन स्मोकर्स है, तो वो खुद के भी लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और जो वो इनहेल कर रहा है उसके भी लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आगे हम देखते हैं पोल्यूटेड एयर जो हम सांस लेते हैं। कई बार बाहर जो सांस ले, आउटडोर्स में जो एयर होता है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड होता है, जैसे फैक्ट्रीज से निकला हुआ धुआं, जो ट्रांसपोर्ट से निकला हुआ धुआं है। और अभी जैसे दिवाली का सीज़न था तो काफ़ी लोग पटाखे उड़ाते हैं, और गार्बेज जलाया जाता है, और जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उठते हैं, और जैसे बिल्डिंग्स वगैरह डिमोलिशन करते हैं तो वहाँ भी एयर पोल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इंडोर एयर इज़ इट रियली क्लीन? अभी हम देखते हैं कि हमें लगता है कि हम तो घर के अंदर है और हमें कोई पोल्यूशन नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। जैसे काफ़ी स्प्रेज है जो कुकिंग करते हैं उससे जो गैस निकलता है, और हमारे घर में पेट्स होते हैं, कैट्स डॉग्स या जो भी पेट्स होते हैं उसके जो हेयर होते हैं वो भी काफ़ी डेंजरस होता है, और माइक्रोब्स काफ़ी रहते हैं जो कि वो भी काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे एयरबॉर्न पार्टिकल्स, डीजल एग्जॉस्ट है, कार्बन, ब्लैक कार्बन है, डस्ट है, स्मोक है, फाइबर्स है, प्लांट मैटर है, हेयर पोलन्स है, और काफ़ी घर के अंदर से जैसे सिगरेट स्मोकिंग कोई करता है, केमिकल्स है, एसिड्स जैसे होते हैं, तो और जैसे पेट का स्मेल है, और जब हम कुछ ऐसे कुकिंग करते हैं तो उसका जो स्मेल आता है, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद जो पेंट्स होते हैं, वार्निशेस होते हैं, और वुड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्लीनिंग सप्लाईज होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, तो ये सारे भी एक एयर पोल्यूटेंट्स है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड, ईस्ट, माइट और वायरसेस। तो देखा गया है कि आउटडोर बाहर की जो हवा है वो एक कैटेगरी है एयर पोल्यूटेंट्स की, बट इंडोर की जो चार दीवार के अंदर जो हवा होती है उसके ये चार पोल्यूटेंट्स है। तो अब इस ये हवा जो पोल्यूटेड है तो उसको हम कैसे प्योरीफाई करें, जो कि आज हमारी नीड बन गई है। आज से 20 साल पहले हम बिस्लरी का पानी नहीं पीते थे, बट आज अगर आप कहीं स्टेशन पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, अगर आपके सामने दो ऑप्शन है, नल का पानी है और बिस्लरी वाटर है, तो आप क्या ऑप्ट करोगे? ऑफकोर्स मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो बिस्लरी का पानी नहीं लेगा। तो आज ये हमारी नीड हो गई है। वैसे ही पानी जैसे वो बिस्लरी पानी फिल्टर्ड होता है, वैसे ही आज हमारी एयर इतनी दूषित हो गई है उसे भी हमें फिल्टर करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इंडोर ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि 90% हम अपना वक्त घर में बिताते हैं, और जो घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वो उनका ज़्यादा समय घर में, हाउसवाइफ्स है तो उनका ज़्यादा समय घर में व्यतीत होता है। तो 10 times ज़्यादा पोल्यूशन इंडोर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ये एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, हम ये एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं घर का वेंटिलेशन, काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ वर्क प्लेस पे और घरों में बना के, और कुछ हम इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, और जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, और जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी वो टॉक्सिक ना हो, कि किसी तरह से हार्मफुल ना हो। तो उसके लिए हमें एक राइट एयर प्योरीफायर का आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट एयर प्योरीफायर? तो क्वालिटी ऑफ एयर प्योरीफायर में क्या क्या होना चाहिए? एयर प्योरीफायर ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एयरबॉर्न डिजीज से बचा सके, उसके सर्फेसिस पे जो पोल्यूटेंट्स है घर को सेफ और फ्रेश रख सके। तो और जो चार कैटेगरीज हमने इंडोर पोल्यूटेंट्स के देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो कवर करने वाला एयर प्योरीफायर हो, और उसमें कवरेज एरिया जैसे कि बेसिक घर का बेडरूम होता है 250 square feet वो कवर करना जरूरी है, और मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इजी ऑपरेट करने के लिए बहुत इजी होना चाहिए। अभी हम देखेंगे दूसरा कि उसमें फिल्ट्रेशन के क्या स्टेजेस है, क्या क्वालिटी का है। हम कभी भी कोई एयर प्योरीफायर अगर हम देखते हैं तो उसमें ये देखें कि वो हेपा टेक्नोलॉजी है क्या, जो 3 वे फिल्टर करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, और एयरबॉर्न जर्म्स को वो के लिए इफेक्टिव है, उसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट क्या है, और उसका सर्टिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेशन है फ्रॉम द क्रेडिटेड अथॉरिटीज़, एंड वारंटी सर्विस क्या है, बच्चों के लिए सेफ है क्या, और मतलब वो अट्रैक्टिव भी थोड़ा होना चाहिए जो हमारे एक मॉडर्न होम के लिए सुंदर भी लग सके और इजी भी हो हमारे लिए।
इसीलिए मोदी केयर लाया है कुकू। कुकू हमारे लिए एक बहुत ही सही एयर प्योरीफायर है। कुकू 99.9% एयरबोन पार्टिकल्स और एलर्जेंस को रिमूव करता है और 550 स्क्वायर फीट को कवरेज एरिया कवर करता है और ये काफ़ी इजी टू ऑपरेट है। रूम में उसको वो प्योरीफाई कर रहा है, वो ऑटो मोड में है। उसका रेड सिग्नल आ गया है, दैट मीन्स इट्स प्योरीफाइंग द स्मोक इनसाइड द रूम।